के वीडियो में स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जो पुराने अपनी पुरानी चीजों को याद नहीं रखता है। बेसिकली आप बात करो, जितने भी बैच प्रोसेसिंग करते हैं उसमें जो आरडीडी या डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, तो आरडीडी क्रिएट कर रहे हैं, वो पुरानी चीजों को याद नहीं रखते हैं डेटा को, ठीक है। उसमें क्या होना है, स्टेटलेस होता है, एक ही रहता है तो कोई दिक्कत होती नहीं। अब थोड़ा बारे में जान लेते हैं। स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मेशन इन अपाचे स्पार्क, स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मेशन इन अपाचे स्पार्क रिफर टू द ऑपरेशन दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द डेटास प्रीवियस स्टेट। दिस ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाइड टू ईच बैच ऑफ डेटा इंडिपेंडेंटली एंड डू नॉट रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस बैच। इन कॉन्ट्रास्ट, स्टेटफुल ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ डेटा और डिपेंड्स ऑन द स्टेट और डेटा फ्रॉम प्रीवियस बैचेस। तो स्टेटफुल वाले अगले वाले वीडियो में जानेंगे, अभी स्टेटलेस वाले भी जानते हैं। सच एज विंडोड ऑपरेशन और ऑपरेशन इन्वॉल्विंग एक्युमुलेटिंग स्टेट। कुछ चीजें होती है जैसे मैप ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये सब चीजें एग्जाम्पल ऑफ स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक नया वो ओआरजी किट कर देंगे और फिर थोड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। तो कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ, और पिछले वाले वीडियो में बोला था डी स्ट्रीम किस तरह क्रिएट करते हैं वो जानेंगे, तो इस वीडियो में जान लेते हैं। बहुत दिनों सोच रहा हूँ एंगुलर का एक वीडियो बनाऊ, बट सोच रहा हूँ आज बना देते हैं, रात के बहुत ज्यादा टाइम हो गया, फिर भी बनाएंगे अभी, ठीक है। थोड़ा देख के कल बना देंगे स्ट्रीमिंग डॉट स्ट्रीमिंग कंटेंट। मतलब ये ना डिप्रिसिएटेड हो गया, तो रिकमेंडेबल वे नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। इम्पोर्ट ओ आर जी डॉट अपाचे डॉट स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट, इम्पोर्ट कर दिया। अब एक और चीज करना है, इम्पोर्ट ओ आर जी डॉट अपाचे डॉट स्पार्क डॉट स्ट्रीमिंग डॉट, सेकेंडों में बताऊंगा मैं कितने सेकेंड बाद मैं उसको कैप्चर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा हूँ फिर से ओ आर जी डॉट अपाचे डॉट लॉग फोर जी डॉट, मैं यहाँ पे दो इम्पोर्ट कर दे रहा हूँ एक साथ। आप चाहो तो अलग अलग लाइन पे भी इम्पोर्ट कर सकते हो, मैं एक साथ दो इम्पोर्ट कर देता हूँ लेवल एंड लॉगर को। बाय द वे एक जो चीज है ना, यहाँ पे आप लेवल और लॉगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा लॉगिंग इन्फॉर्मेशन दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि बट आप कोई और एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको लॉगिंग ना दिखाए आफ्टर एडिंग दिस। को मैं ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट मेन कर दूंगा क्योंकि मेन क्लास है, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट मेन ला रहा हूँ। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली एक और चीज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स अगर ऐप कर दूं उससे भी काम चल जाएगा, या फिर मैं डेफ मेन फंक्शन डाल कर रखूँ उससे भी काम चलेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे सबको सबको जानेंगे भाई। एक तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ दो चीजें, वो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं स्टेटलेस एग्रीगेशन दिखा देता हूँ। इसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वार डेटा डाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वार डेटा। काम करेंगे वीएस कोड में दिखाऊंगा, बढ़िया है, नहीं यहाँ पे दिखा देते, कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। एससीसी डॉट सर, तो लॉगर लॉगर का बना देते हैं, तो लॉगर जो होगा ना, लॉगर डॉट गेट लॉगर ओ आर जी डॉट सेट लेवल, यहाँ पे मैंने लेवल डाल दिया लेवल डॉट एरर डॉट एरर, इस पे काम नहीं करने वाला, इस पे काम नहीं करता थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस इस्तेमाल करूँ, इंटेलिजेंस में काम नहीं करता। सी इक्वल टू मैं क्या करूंगा, न्यू स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट कर दिया, इसके अंदर मैं डालूंगा लोकल में कितना, बाय डिफॉल्ट दो डाल सकते हो या फिर चाहो तो तुम स्टार्ट कर सकते हो, इसीलिए टोटल डिपेंड अपॉन यू। और इसके बाद तुम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कोई भी नाम डाल दिया, जैसे मीज मैंने डाल दिया, ठीक है, ऐप ने मैंने मीज डाल दिया, ठीक है, मास्टर लोकल डाल दिया और ऐप में मैंने मीज डाल दिया। इस तरह से भी कर सकते हो, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, मैंने स्पार्क सेशन के थ्रू पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, वो भी कर सकते हो। मैं वाल एससीसी करूंगा, न्यू स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट करूंगा, और इसके अंदर मैं करूंगा एससी पास करूंगा, और दूसरा जो मैं पास करने वाला हूँ यहाँ पे सेकंड से मैं फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ, मैं हर 15 सेकंड बाद मैं ये चीज करने वाला हूँ, तो मैं 15 करूंगा। यहाँ पे अगर होवर करोगे तो ये क्या दिखाएगा, इट्स डेप्रिसिएटेड, माइग्रेट टू स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग। स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग ऑलरेडी मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाया, अगर वो वाला वीडियो नहीं दिखाया तो वो चेकआउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैंने एसएससी क्रिएट कर दिया, अब इसके बाद एसएससी का एक वो भी चल रहा है, वीडियो देखना है, भूल गया था एसएससी देखना, अमित राणा का वीडियो था, तो वो देखना पड़ेगा, वो एकदम अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड डेटा, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्टेटलेस एग्रीगेशन दिखा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एसटीसी डॉट यहाँ पे सॉकेट, एक मिनट ओपन करूँ, सॉकेट टेक्स्ट स्ट्रीम कर दिया, मैंने टेक्स्ट स्ट्रीम कर दिया, यहाँ पे लोकल होस्ट डाल दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लोकल होस्ट किससे में रन हो रहा है, जो भी मेरा लोकल होस्ट मैंने ओपन किया 9999 में लोकल होस्ट मैंने रन कर दिया, ये चीज होगी। इसके बाद मैं कुछ ऐसे एग्रीगेशन कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल
वाल मैक्स वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू किस तरह से निकालूंगा मैं, डेटा पड़ा हुआ डेटा डॉट मैप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैप क्या होता है, फ्लैट मैप क्या होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने कवर की है। अगर वो वाले वीडियो देखे इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज दी हुई है उसको मैं डॉट टू एंड करूंगा। उसके बाद मैं रिड्यूस इस्तेमाल करूंगा, रिड्यूस और रिड्यूस बाई की में क्या डिफरेंस होता है पिछले वाले वीडियो में बताया, जाकर चेकआउट कर सकते हो। ए कॉमा बी करेंगे, उसके बाद मैं मैथ डॉट मैथ कर सकता हूँ और ब्रैकेट में ए कॉमा बी डाल सकता हूँ। ये मैं यहाँ पे मैक्स वैल्यू इस तरह से निकाल सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको फिल्टर डेटा करने है तो क्या करना सकता हूँ, मैं अगर फिल्टर डेटा करना चाहता हूँ, ठीक है, डेटा को फिल्टर करना है, ठीक है, ये भी एक चीज है। स्टेटलेस फिल्टरिंग भी स्टेटलेस में आती है, डेटा डॉट फिल्टर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटा डॉट फिल्टर किया मैंने एक्स टेन टू एक्स डॉट कंटेन्स, अगर मेरा लाइन कंटेन करता है मीथ तो मैं कुछ करूंगा और भी डाल सकता हूँ जैसे, और या फिर लाइन डॉट कंटेन नाम वगैरह काइंड ऑफ स्टफ और के लिए मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, दो बार डाल दिया मैंने, फिर x डॉट कंटेन्स फॉर एग्जाम्पल राम गगा, ये मैंने डाल दिया कुछ। ठीक है, स्टेटलेस पार्सिंग भी हो सकता है, मैं कुछ पार्स करना है जेसन में तो क्या करूंगा, मैं इस तरह से कर दूंगा, देखो पार्स डेटा पार्सिंग काम आता है। आता है जैसे मेरे को सी एस सी फाइल क्रिएट करना है, मैं सी एस सी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ जैसा, तो मैं डाटा डॉट क्या कर सकता हूँ, मैं डाटा डॉट मैप का क्रिएट करता हूँ। मैं लगभग ऐसे लिख रहा हूँ जैसे जेसन स्ट्रिंग कैसे कर रहा हूँ, जेसन स्ट्रिंग पार्स जेसन करूंगा, उसके अंदर मैं डाल दूंगा जेसन स्ट्रिंग। यहाँ पे एक पार्स जेसन बनाऊंगा, कुछ ऐसे फंक्शन बनाऊंगा या फिर कुछ ऐसा यूज करूंगा थर्ड पार्टी टूल में, इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे को इम्पोर्ट दिखाएगा ओ आर जी डॉट अपाचे डॉट यहाँ से पार्स जेसन। ओके, यहाँ पे इससे नहीं इम्पोर्ट होगा, मेरे ख्याल से एवरो फाइल से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब ये जानेंगे यार, मैं तुम्हें जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से आप इसका भी एग्जाम्पल होता है यार, तो ये जानेंगे पार्स जेसन किस तरह से करते हैं आने वाले वीडियोस में। ठीक है, अब इसके बाद और भी कर सकते हो, जैसे स्टेटस एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं जॉइन का इस्तेमाल कर सकता हूँ कुछ, जैसे जॉइन पॉइंट, जैसे फॉर मैं ई डेटा मैं कुछ ज्वाइन कर रहा हूँ, पर दो डेटा आ रहा है, एक और डेटा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल डेटा डाल के रखा और एक मेरे पास और डेटा आ रहा है एस डेटा कुछ भी, तो एस एस सी डॉट सॉकेट टेक्स्ट स्ट्रीम, ये मेरा लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट आपके केस में कुछ और होगा, मतलब 8877 कुछ आ रहा है मेरा। अब मैं दो चीजों को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं देखो ज्वाइन का ऑलरेडी मैंने कवर किया है पाइस्पा का स्काला दोनों में, वो चेकआउट कर सकते हो अगर चेकआउट करना चाहते हो, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, वरना ये तो चल ही रहा है। ठीक है, एक्स टेंड्स टू एक्स डॉट करूंगा मैं, ज्वाइन का इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर मैं एस डेटा कर दूंगा। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मैं यहाँ पे डी स्ट्रीम का यहाँ पे दिखा दिया आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं मैक्स वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, फिल्टर कर रहा हूँ, मुझे मैक्स वैल्यू क्रिएट करना है, तो मैक्स वैल्यू में क्या करूंगा, मैं अभी बताता हूँ आपको, वैल्यू डॉट प्रिंट का इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा एस एस सी डॉट स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करने के लिए। अब भाई देखो स्टार्ट जब मैंने किया ना तो तुरंत मेरे को बंद भी हो जाएगा, तो उसके लिए बोलना पड़ेगा भाई रुको जरा सब्र रखो, तो अवेट टर्मिनेशन कर दूंगा। जी जी, इसके बाद कुछ भी डाल दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ डाल के देखूंगा। ओके, मैं रीजन पे क्लिक करूंगा और मैं रन वाला इसको ओपन कर दूंगा, रन हो रहा है। अगले वाले वीडियो में स्टेटफुल जानेंगे, कुछ भी रन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना 15 सेकंड डाल के रखा है ना, तो वीडियो डोड रहे दो। अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला मैक्स 1 2 3 4 7 चल नहीं रहा है क्या। ओके, ई डेटा को एस डेटा को भी चेंज कर दिया मैंने सीरियसली, तो इसको मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करूंगा, मुझे सिर्फ मैक्स वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से करूंगा। हाँ, एक बार इसको रन करते हैं, री रन स्टेटफुल और स्टेट विंडो वाला अगले वाले विंडो में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इतना कर दिया, मैंने कोड क्या लिखा है एक मिनट को, एक तो इतने फालतू के लॉक्स आ रहे हैं, लॉक्स भी नहीं हट रहे हैं इसमें यार, बहुत दिक्कत है यार ये वाला, कितने सेकंड के बाद हो रहा है, मैं 5 सेकंड कर रहा हूँ। अब ये टर्मिनेशन किया फिर भी टर्मिनेट हो जा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है। ठीक है, इसको एक बार फिर से करो, देखो मैक्स वैल्यू इतनी दी हुआ है, मैक्स वैल्यू आया था ना, तुम देख रहे थे मैक्स वैल्यू आया था यहाँ पे। ठीक है, 5 6 सारे लॉक्स आ रहे हैं ना, इसके वजह से दिक्कत कर रहा है। अगर मैं इसमें देखूँ 45 और 56 और 67, अब देखते हैं क्या वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे कुछ आया था यार, मेरे को पता नहीं चला, 45 67 आया था, इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है 67। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि यार देखो अब इसके बाद 67 पड़ा हुआ ना, अब इसके बाद में अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 3 और 10 डालता हूँ, तो मेरी आंसर कितना आना चाहिए, अगर मैं देखूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए 10।
10 क्यों आया? 10 आया था, अभी देखा था 10 आया था, ठीक है 10 यहाँ था, आया था, देखा ना 10 ऊपर आया था, 10 क्यों आया? 56, 67 क्यों नहीं आया? क्योंकि अरे भूल गया, भुलक्कड़ है, भूल गया, इसलिए क्या था वो तो पता नहीं चला। इसके 15 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर ये जो थे इन दोनों में से कंपेयर कर दिए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर मैं सम अप कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, इन दैट केस इट्स रॉन्ग, इट विल बी रॉन्ग। हाउ टू टैकल दैट? In that scenario, we will be using stateful transformation. So, in upcoming videos, we are going to cover that. If you have any doubt, like you can comment below in our comment box. So, I will be meeting you in the next video. Till then, bye and take care.